आज मैं आप सभी लोगों को होममेड कलर कैसे बनाए ये बताने जा रही हूँ। ये जो कलर है वो बहुत कम चीज़ों से जल्द बन जाता है और घरेलू चीज़ों से ही बनता है। तो देखते हैं चलिए कैसे ये कलर बनता है। सबसे पहले हम इस तरह का कोई बॉल ले लेंगे। आप कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, ये टूथपेस्ट तो हमें घर में आसानी से मिल जाता है। मैंने फिर पानी ले लिया है, आप एक छोटे चम्मच से एक एक चम्मच दोनों बोल में पानी डाल दें। आप कोई भी नुकीला चीज़ ले सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए। मैंने यहाँ पाइप का यूज किया है, जो पतला पाइप होता है उसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दोनों को। ये देखिए गाइस मैंने खाने वाला कलर का इस्तेमाल किया है जो किचन में हमेशा रहता है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है और मैं एक केसरी कलर का यूज करूंगी। आप कोई भी कलर इसके जगह पे ले सकते हैं। ये देखिए गाइस मैंने ये कलर डाल दिया, मैंने एक में रेड और एक में केसरी कलर का लिया है। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा कलर बिल्कुल तैयार है और ये एकदम अच्छा परफेक्ट कलर बना हुआ है। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये होममेड कलर है और आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है और ये होममेड है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा और जल्द से जल्द बना तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।